वो अक्सर धुएं को बेफिक्री में उड़ाता फिरता था। वो अक्सर उग्र डायलॉग्स बोलता था। तो हम बिगाड़ के बैठे हाँ। उसको शर्टलेस कैमरे पर आने का बहुत शौक था। उसे स्टाइल मारने का बहुत शौक था। उसका पहला पोस्ट सिद्धू मूसेवाले का था। वो अक्सर दोस्तों के साथ आवारा गर्दी करता था और फिर एक दिन उस सरफिरे ने एक गली में एक नाबालिग लड़की को मार दिया। इतनी बर्बरता से मारा कि देखने वालों का दिल मुंह तक आ जाए। वो वीडियो हम आपको दिखा भी नहीं सकते। विडंबना देखिए कि वीडियो हम आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि आप देख नहीं पाएंगे और वहां कुछ लोग लाइव मर्डर देखते रहे जिन्होंने सरे राह हो रहे इस कत्ल को रोकने की कोशिश भी नहीं की। उस सरफिरे के सर पर सवार कत्ल के भूत के आगे उन सब राहगुजरों की हिम्मत हार गई। वो सरफिरा जिसे पुलिस फाइल में नाम दिया गया है साहिल खान का। उसका इंस्टाग्राम अकाउंट मिला है। बायो में लिखता है कि उसे अपनी माँ से प्यार है, दारू से प्यार है, खुद को यारों का यार बताता है, डार्क लाइफ को प्यार बताता है, कहता है कि वो सब पर भारी है लेकिन सबसे बड़ी थी उसकी सनक। स्टोरी हाइलाइट्स देखें तो पता चलता है कि अय्याश किस्म का है ये लड़का। भाई नाम से एक हाईलाइट में देखने पर एक वीडियो देखता है जिसमें पुलिस वाला उसके किसी जान पहचान वाले को पकड़े हुए है और उस पर उसने गाना लगाया है, आज आखिरी पेशी है तेरे यार की, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिसे पुलिस वाले ने पकड़ा है वो या तो उसका भाई है या कोई जान पहचान का आदमी है और उसकी कोर्ट कचहरी में आज पेशी है। माय नाम से बनाई गई स्टोरी हाईलाइट को अगर देखें तो उसमें दिखता है कि साहिल के हाथों में हथकड़ी लगी हुई है, जिससे ये कहा जा सकता है कि अपराध, पुलिस, कचहरी, कोर्ट इस लड़के के लिए नई बात नहीं थी। ये सिर्फ 20 साल का है। रुद्राक्ष पहनकर भोले बाबा का गाना लगाता है, बंदूक लेकर अपने दीन की बात करता है, अल्लाह का गाना लगाता है पीछे, पैसों का खोखला रसूख दिखाता है। इसकी आपराधिक मानसिकता और मेल ईगो उस ना को बर्दाश्त नहीं कर पाया जो साक्षी ने इससे कहा। सूत्रों की माने तो साक्षी इससे अलग होना चाहती थी और इस सरफिरे से ये बर्दाश्त नहीं हुआ और इसने हत्या को अंजाम दे दिया। इस दरिंदे से जो शिकायत, जो गुस्सा इस पर है वो तो है ही है। इस वीडियो को देखने के बाद बार बार सवाल उन लोगों से करने का मन हो रहा है जो तमाशा देखते हुए गुजरते रहे। अकेले साहिल ने साक्षी की हत्या नहीं की है, उन लोगों का भी पूरा पूरा हाथ है, उनसे शिकवा है, सवाल है उनसे कि रात में सोते वक्त क्या उनको नींद आएगी, वो विभत्स दृश्य सामने नहीं आएगा, अंतर्मन सवाल नहीं करेगा कि क्यों नहीं उन्होंने साहिल को रोका, क्यों नहीं जाकर उसको दो थप्पड़ मारकर उसके हाथ से चाकू छीना। 5-10 लोग इकट्ठे होकर जाते तो भला क्या मजाल थी उस हैवान की कि वो इस अपराध को अंजाम देता। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है हमें कॉमेंट्स में बताइएगा। तमाम अपडेट्स के लिए चैनल के साथ बने रहिए। Thank you.